हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेदारम ट्यूटोरियल। आज हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर एंड सॉलिड स्टेट्स का सेवंथ लेक्चर, जिसमें मैंने बताया है पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग एज एन एम्पलीफायर, कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो प्रवर्धक के रूप में कैसे कार्य करता है। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बताया था, तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये पीएनपी ट्रांजिस्टर भी समझ में आ जाएगा कि एम्पलीफायर के रूप में कैसे वर्क करता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमें कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम इसके एरोस पे ध्यान देते हैं। ये है पी एन पी ट्रांजिस्टर, तो जो एरो है वो होगा पी से एन, ये पी, ये एन, ये पी, तो पी से एन इसका एरो होगा। अब जो एमिटर और बेस सर्किट है उसको हम रखते हैं फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस यानी जो पी टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से, और जो एन टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव से। जो कलेक्टर एमिटर जो सेकेंड सर्किट होता है उसको हम रिवर्स बायस में रखते हैं। रिवर्स मतलब पश्च अभिनति, यानी यहाँ पर है पी एन पी, तो ये आया पी एन पी। जो कलेक्टर का पी टर्मिनल है उसको हमको रखना है बैटरी के नेगेटिव से, और ये जो एमिटर है इसको हमको रखना है बैटरी के पॉजिटिव से। यहाँ जो बैटरी है वी सी सी नाम दिया है क्योंकि ये कलेक्टर से कनेक्टेड है, और जो यहाँ वाली बैटरी है उसको वी बी बी नाम दिया है क्योंकि ये बेस से कनेक्टेड है। जो बेस और एमिटर का पोटेंशियल है वो वी बी ई होगा, और जो कलेक्टर और एमिटर का पोटेंशियल है वो वी सी ई होगा। अब हम करंट की डायरेक्शन देखें तो करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो प्लस से करंट आता हुआ, तो ये जो सर्किट है ये कौन सा करंट आएगा? एमिटर करंट, क्योंकि ये एमिटर की ओर आ रहा है, और यहाँ से बेस से जाता हुआ तो ये आई बी। इस सर्किट में अगर हम देखें तो कलेक्टर से ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव की ओर आता हुआ ये कलेक्टर करंट आई सी, और पी एन पी है तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम देखते हैं, हमको दो चीज़ें याद रखनी है जो मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी जब मैंने एन पी एन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर समझाया था, तो कि हमको दो इक्वेशंस याद रखनी है किरचॉफ्स के लॉ से। ये दो इक्वेशन किरचॉफ्स के लॉ से, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि ये कैसे आती है। तो अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि आई ई और आई सी में रिलेशन क्या है इस इक्वेशन में। तो हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे हम आई ई बढ़ाएंगे, आई ई की वैल्यू बढ़ेगी तो आई सी की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों पर सेम साइन है। तो आई ई बढ़ेगा तो आई सी भी बढ़ेगा, और आई ई घटेगा तो आई सी भी घटेगा। आपको एक ये चीज़ याद रखनी है, और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आई सी और वी सी का क्या रिलेशन है। फ्रेंड्स, ये जो वी सी है ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, जो हमको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है ये वोल्टेज है वी सी, ये वी सी वोल्टेज, यही आउटपुट बनेगा। तो वी सी और आई सी में क्या रिलेशन है? कि अगर आई सी की वैल्यू बढ़ेगी तो वी सी की वैल्यू घटेगी। इनवर्स रिलेशन है दोनों का, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है। और आईसी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वीसी की वैल्यू कम होगी, उसी प्रकार आईसी की वैल्यू कम होगी तो वीसी की वैल्यू बढ़ेगी। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है, तो आप इस सर्किट के बारे में इजीली इसको बना भी सकते हैं, और इसके बारे में लिख भी सकते हैं, और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, तो जो इनपुट सिग्नल है वो दो साइकिल्स में आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हमको इन दोनों की अलग अलग स्टडी करनी है। तो हमने देखा कि जब हमने सीई मोड में इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया, तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें हमको नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट में मिली, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में मिली। तो ये कैसे हुआ? तो जो एमिटर है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एमिटर है वो किससे कनेक्टेड है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। बस इसको ध्यान रखना है आपको कि एमिटर किससे कनेक्टेड है। तो एमिटर जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और हम दे भी रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये भी हम प्लस वैल्यू दे रहे हैं और एमिटर भी प्लस में है, तो एमिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सपोज करें आई ई जो था वो 4 था और हमने पॉजिटिव इनपुट दे दिया, सपोज ये जो पॉजिटिव इनपुट है ये 7 है, तो अगर इन दोनों की वैल्यू का हम ऐड करें तो कितना होगा? 11 हो जाएगा। मतलब आई ई की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर आप ना भी वैल्यू सपोज करें तो भी यहाँ से क्लियर होता है कि आई ई जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एमिटर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और यहाँ पर हम दे रहे हैं पॉजिटिव इनपुट सिग्नल, तो आई ई की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? इंक्रीज होगी। अब अगर आई ई इंक्रीज होगा तो आई सी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, जो मैंने आपको पहली चीज बताई थी। और अगर आई सी इंक्रीज होगा तो वीसी की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? कम होगी। समझ रहे हैं? आईसी अगर बढ़ेगा तो वीसी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और वीसी की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सी जो है वो किससे कनेक्टेड है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है सी, और वीसी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी।
तो इसकी जो नेगेटिव वैल्यू थी पहले से ये और कम हो गई, तो इसलिए हमको क्या मिला, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, समझ रहे हैं। अगर ये माइनस फाइव था तो ये और कम हो गया, यानी ये हो गया माइनस सेवन हो गया, तो ये और कम हो गया, तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम इसका ये नेगेटिव हाफ साइकिल देखें, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ कि ये था नेगेटिव और एमिटर जो था वो किससे कनेक्टेड था, पॉजिटिव से कनेक्टेड था, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड था एमिटर, और हमने यहाँ पर नेगेटिव दिया इसको, तो एमिटर की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, कम हो गई एमिटर की वैल्यू। अगर एमिटर की वैल्यू कम हो जाएगी तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कलेक्टर करंट की वैल्यू कम हो गई तो जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इसकी वैल्यू। और ये जो वीसी था ये किससे कनेक्टेड था, नेगेटिव से कनेक्टेड था, नेगेटिव से कनेक्टेड था, और इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई तो मतलब इसकी नेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो नेगेटिव से ये इंक्रीज होगा तो ये हमको क्या देगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल देगा। इस तरह अगर हम और साइकिल्स इसमें बनती जाएंगी तो इसके आउटपुट हमको क्या होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। इसके आउटपुट में हम देख रहे हैं कि 180 डिग्री का फेस चेंज है, क्योंकि ये किस में लगा हुआ है, सीई मोड में लगा हुआ है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया है कि एम्पलीफायर जो है वो सीई मोड में कैसे वर्क करता है और सीबी मोड में कैसे वर्क करता है। तो सीई मोड में हमको 180 डिग्री का फेस चेंज मिलता है, जो हमको इसमें मिला। आई होप आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा ट्रांजिस्टर के बारे में। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल वेदारम ट्यूटोरियल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।